फिरोजाबाद के सोसैया अस्पताल परिसर में आयुष्मान भव योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएम और फिरोजाबाद सांसद मौजूद रहे। बुधवार की दोपहर करीब 12 फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के सोसैया अस्पताल परिसर में आयुष्मान भव योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा वाले आयुष्मान कार्ड को प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और सिटी एमला मनीष असीजा, मेयर कामिनी राठौर मौजूद रही और कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद चंद्रसेन जादौन, सिटी एमला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिलाधिकारी और नगर विधायक मनीष असीजा ने बताया है, आयुष्मान भव योजना को नई गति देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका आज से शुभारंभ किया गया है। कैंप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। जी सर, किसके तो क्या कार्यक्रम है और आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। जिस कार्यक्रम के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं, इसमें सबसे बड़ा घटक ये है कि आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर में और सभी CHC में। इसके अतिरिक्त आज से, जैसे कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंपेन वगैरह चलाते हैं, आज से अंग दान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए भी आह्वान किया गया है राष्ट्रीय लेवल से। तो मैं भी आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि आकस्मिक मृत्यु की दिशा में अपना अंग दान अवश्य करें। इसके लिए सभी लोगों को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। आयुष्मान भव कार्यक्रम एक बहुत ही मेजर हेल्थ कैंपेन है जो पूरे देश में चलाया जाएगा और उत्तर फिरोजाबाद में भी इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे अभियान चलाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जैसे किस प्रकार का कार्यक्रम रहा और देखिए, देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों से आयुष्मान भव, जो हमारा आयुष्मान कार्ड पहले से चल रहा है, उसको नई गति प्रदान करने के लिए एक नए चरण का आरंभ किया गया है। इसमें पहले चरण में घर घर जाकर आयुष्मान के लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके कार्ड बनाए जाएंगे। दूसरे चरण पर आयुष्मान मेला लगेंगे, ये सब सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। और उसके बाद जो शत प्रतिशत जो सेचुरेटेड हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, ऐसे गांवों को आयुष्मान गाँव और ऐसे वार्डों को आयुष्मान वार्ड घोषित किया जाएगा। इसके साथ साथ हम सब जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन की पूरी टीम, डॉक्टर्स, सभी लोग और माननीय पत्रकार बंधु सब इस अभियान में अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ आज अंगदान की शपथ भी हम सबको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिलवाई गई। आप इस महत्वपूर्ण और जन हितकारी लोक कल्याणकारी अभियान में अपनी सहभागिता, इसके प्रसार प्रचार एवं इसको और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंचाने में करेंगे। ऐसे कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।